हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान का नेक्स्ट हेड कोच कौन होगा। पाकिस्तान का जो करंटली हेड कोच है वो है मिसबाह उल हक, और मिसबाह उल हक के टेन्योर में पाकिस्तान ने काफी ही पथेटिक परफॉर्मेंस की है। टेस्ट मैचेस में, वनडे में, T20 में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस यहाँ होती थी, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस यहाँ गई। ठीक है, अब सोर्सेज तो जरा ये कह रहे कि पीसीबी जो है अफ्रीका की सीरीज से पहले मिसबाह उल हक को कोचिंग से हटाने वाला है। मिसबाह उल हक के पास पहले दो ओहदे थे, पहले वो चीफ सेलेक्टर भी थे, फिर हेड कोच भी थे। पीसीबी ने पहले बोला था कि आप एक ओहदा रखो, लेकिन मिसबाह उल हक ने बोला था कि मैं खाली हेड कोच का ओहदा रखूंगा। अब हेड कोच से भी पीसीबी उसको हटाने वाला है, और सोर्सेज और जरा ये बोल रहे हैं कि गैरी क्रिस्टियन और साथ साथ एंडी फ्लावर से पीसीबी रबते में है, और इन दोनों में से ही नेक्स्ट नेक्स्ट पाकिस्तान टीम का हेड कोच होगा। गैरी क्रिस्टियन वो कोच है जिसने इंडिया को 2011 का वर्ल्ड कप जिताया था। ठीक है, तो काफी उसकी नाम है, और साउथ अफ्रीका का वो फॉर्मर प्लेयर रह चुका है। और एंडी फ्लावर को तो हम सब जानते हैं, उसका कोचिंग में कितना एक्सपीरियंस है। वो जिम्बाब्वे के प्लेयर्स थे, लेकिन उनने इंग्लैंड को भी काफी कंट्रीब्यूट किया। मुल्तान सुल्तान के भी वो हेड कोच है, तो होपफुली दोनों कोचेस काफी अच्छे हैं, और पीसीबी इन दोनों से रबते में है, तो इन दोनों में से एक कोच लग सकता है। लेकिन जहां तक मेरी सोच है ना, गैरी क्रिस्टन को लगाना चाहिए, क्योंकि गैरी क्रिस्टन एक नामी ग्रामी कोच है। ठीक है, और उसने इंडिया को वर्ल्ड कप भी जिताया, इंडिया जैसी मजबूत टीम के वो कोच रह चुके, तो पाकिस्तान को भी ऐसे तगड़े कोच की जरूरत है। तो मिसबाह उल हक से तो मैं पीसीबी से कब से रिक्वेस्ट करता हूँ, मिसबाह उल हक को हटाओ। आपने एक्सपेरिमेंट करना है तो किसी किसी डिपार्टमेंट का कोच बनाओ, किसी PSL, आपने उसको डायरेक्ट नेशनल टीम का कोच बनाया, उसने सारे एक्सपेरिमेंट की, पाकिस्तान की टीम तबाह बर्बाद कर दी है। तो मिसबाह उल हक जो है कोचिंग डिजर्व करता ही नहीं है, और मिसबाह उल हक से कोचिंग लिए बहुत अच्छी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, हाफिज़।